पूरे भारत में पहली बार जैन समाज के भाई बंधु माताएं बहनें और छोटे छोटे बच्चे रोड पर आकर अपने तीर्थ स्थल को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत में पहली बार इस प्रकार का संघर्ष समाज द्वारा, जैन समाज द्वारा किया जा रहा है। मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व होता है कि जैन समाज वो समाज है हमेशा देश के विकास में, धर्म के विकास में सहयोग देने वाली जैन समाज है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में एक बहुत ही प्राचीन जैन समाज का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और वहां की सरकार उस तीर्थ स्थल को यानी एक टूरिज्म तीर्थ स्थल बोलकर डिक्लेयर करने का प्रयत्न कर रही है और कर चुकी है। अगर टूरिज्म वहां पर बढ़ेगा तो अनेकों धर्म के लोग आएंगे। जो पवित्रता जो है यानी जैन समाज की जो रीति, जो रिवाज है, जो पवित्रता है, वो बहुत ही हटके है। हर धर्म का अलग अलग नियम होता है, जैन धर्म का भी अलग से एक नियम है। बहुत ही पवित्रता से वो लोग रहते हैं और बहुत ही कठिन नियम वो लोग फॉलो करते हैं। तो इतना पवित्र तीर्थ स्थल को अगर पर्यटन तीर्थ स्थल अगर घोषित कर दिया जाएगा तो अनेकों प्रकार के लोग आएंगे, जिसमें अच्छे और बुरे भी रहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि कईयों तीर्थ स्थल को पर्यटन में बदल दिया गया, टूरिज्म में इंक्लूड किया गया। वहां पर अनेकों प्रकार के लोग आते हैं, अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग आते हैं। तो जब भी उन तीर्थ स्थलों को जाने का मौका मिलता है तो कुछ कुछ जगहों से हमें भी हट जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ लवरों का अड्डा बन जाता है। ये बोलते भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन ये शब्द बोलना बहुत जरूरी भी है। तो इसीलिए मैं झारखंड सरकार से साथ ही साथ केंद्र सरकार को इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। तुरंत हमारे टूरिज्म मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो सरकार जो गलत कदम उठा रही है उस पर आप दृष्टि रखें। देखिए, जहां जहां पर टूरिज्म में कुछ तीर्थ स्थल को डिक्लेयर करना है तो उस समाज से संबंधित आप लोग एक मीटिंग करने की आवश्यकता थी, साधु संतों से, साध्वियों से मीटिंग करने की, चर्चा करने की आवश्यकता थी। अगर वो लोग मानते हैं तो अगर आप टूरिज्म में उसको डिक्लेयर करते थे तो बहुत अच्छा रहता था। लेकिन बिना समाज के बड़े लोगों से चर्चा करें, बिना साधु संत साध्वियों से चर्चा करें, उसको सडनली तीर्थ स्थल से टूरिज्म में कन्वर्ट करना, ये आज जैन समाज को एक उनके दिल को ठेस पहुंची जैसा ये एक सब्जेक्ट बन चुका है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड सरकार तो मैं समझता हूं जैन विरोधी सरकार कह सकता हूं, या हिंदू विरोधी सरकार कह सकता हूं, या कुछ भी कह सकता हूं, क्योंकि इतना संघर्ष होने के बाद में भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए केंद्र मंत्री जी से मैं, टूरिज्म केंद्र मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर तुरंत आप विचार विमर्श करें और जो केस स्टेट गवर्नमेंट जो निर्णय ली है उसको तुरंत रद्द करें। जैन समाज का पवित्र तीर्थ स्थल, इस प्रकार से वो मंदिर जो शिखर जी का जो मंदिर है, इस नाम से वो डिक्लेयर हो तो बहुत अच्छा रहेगा, उसकी पवित्रता भी बनी रहेगी। साथ ही साथ आज कईयों पवित्र स्थल है जैन समाज के, उन सभी तीर्थ स्थल को सिक्योरिटी की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम बुरे लोग भी कह सकते हैं, उनकी दृष्टि है, तो उन तमाम मंदिरों को सिक्योरिटी की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ जैसे कईयों हमारे साधु संत और हमारी साध्वियां दूसरे राज्य से दूसरे राज्य तक बाईवॉक जाते हैं, वो लोग पदयात्रा करते हैं, तो रास्ते में कुछ अलग अलग घटनाएं हो रही है, तो जिस राज्य से साधु संत गुजरते हैं उन साधु संतों को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, जहां जहां से वो गुजरते हैं उनको भी थोड़ा सिक्योरिटी का ध्यान दें।